wonderful people, most creative and so talented. It makes me feel very proud that I could belong to this genre of people who are so creative and so wonderful and human. Shimaru has really done a yeoman service, having collected such treasures from people who have been creatively involved. I'm very proud that, and I'm very touched that I could be considered as one of the recipients of this one wonderful citation and be sitting on a level with so many talented people who have done human service in this life. Shimaru has been a friend to me because I lived in the vicinity of this shop. And every now and then I used to go running down the road to pick up one film or the other which I had missed seeing. And they have been filling that gap which was there for me to fill. And I didn't have to make much of an effort, it was just across the road. So Shimaru has been my little friend all along when I was a very little girl and I came to Bombay and I started my work. I'm grateful to have you consider me as one of the living legends. I don't consider myself anything very great, but I feel this fraternity has a very deep love and affinity for emotion. And without emotions, we are really nothing. And I'm grateful for Shimaru for keeping that flame burning in people's hearts and remembering people who have done human service in this profession. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. आनंद जी भाई और प्यारे लाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज की फिल्मों की म्यूजिक आपको लगता है इट गोज वेल विद द टाइम्स या कुछ और तरह का म्यूजिक होना चाहिए? आप दोनों से जानना चाहूंगा। द माइक प्लीज जावेद साहब। थैंक यू चेहरा दे सबको मेरा सबको प्रणाम। आज जो भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं, फिर से पूछेंगे कि आप पूछना चाहते हैं आज के दौर, आज की फिल्मों के म्यूजिक जो होता है वो सही है आज के टाइम के हिसाब से कि कुछ और किस्म का म्यूजिक होना चाहिए? देखिए आप आज की फिल्म में क्यों पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पहले तो पूछते हैं उनसे? हाँ, पहले की म्यूजिक की कंपैरिजन है बिल्कुल आज का म्यूजिक। इसमें देखिए थोड़ा सा साउंड ठीक है भैया, मैं तो पास भी हो जाए। देखिए मेन चीज़ क्या है संगीत के अंदर कि सिर्फ धुन बनाना और फिल्म के अंदर गाना दे देना ये म्यूजिक होता है, ये नहीं है। संगीत अगर आपको संगीतकार बनना है तो आपको संगीत सीखना चाहिए। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जैसा कहीं नहीं है। नमस्कार जी, कुछ कहने हाँ तो मैं खास बात कहना चाहता हूँ। आप आए मैं आज मतलब मैं कहूँ सर, हाँ नहीं मैंने भी अच्छा ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए। देखिए मेन बात क्या है कि संगीत के अंदर जो तो जगह में नमस्कार, संगीत के अंदर मेन चीज क्या है जो शुरू से होता रहा है, मैं बात कर रहा हूँ जिस वक्त हमारे कलकत्ते के
लेकिन यहाँ जब मैंने आया और देखा कि स्टेज पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनमें से करीब करीब हर एक का मैं जबरदस्त फैन रहा हूँ और करीब करीब हर एक को मैंने इंटरव्यू भी किया है रेडियो के लिए, तो इतने सारे जबरदस्त लोगों के सामने मैं क्या बोलूँ, मेरी आवाज़ भी बंद होती जा रही है, मेरी जबान भी बंद होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और ख़ास तौर पर शिवारू का जिनका मैं फैन रहा हूँ जवानी के दिनों से। मैं जब एक ज़माने में कैंपस कॉलेज में रहा करता था तो मैं आपके दफ्तर में भी आता था, आपके स्टूडियो में भी आता था, आपके दुकान में भी जाता था और तब से अब तक आपने बहुत ज़बरदस्त जो काम किया है कि फिल्मी दुनिया की रंगीनी को हर एक के घर में ला कर पहुँचा दिया है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और जितने भी यहाँ फिल्मी सितारे फिल्मी हस्तियाँ हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सबको इतने बरसों तक एंटरटेन किया। मैं तो एक छोटा सा बस रेडियो अनाउंसर था जो आप ही के बनाई हुई चीज़ों को सबके सामने रखता था, गीत माला के जरिए भी और फिल्मी प्रोग्रामों के जरिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्रेस के भाई और बहनों, द हाउस विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल, लेकिन उससे पहले ये लिविंग लेजेंड्स तो हैं लेकिन आज के दौर के हैं, इसलिए मैं हिरेन गाड़ा को बुलाना चाहूंगा फॉर द गोल्डन सेल्फी।